देखिए मैं और गीता किचन में लगे, गीता खाना बना रही है और मैं उधर किचन में ड्राई फ्रूट्स वगैरह लेकर के आई थी चांदनी चौक से, तो उनको ही सबको डिब्बे में भर के रख देती हूँ, क्योंकि अभी वो ऐसे ही रखे थे, क्योंकि काम बहुत हो जाता है गीता को, बच्चे वगैरह अभी 3 टाइम का खाना पूरा, सब तो टाइम नहीं मिल पा रहा था, मेरे हाथ में लगी हुई थी। अब हाथ में थोड़ा दिक्कत नहीं है, काम मैं एक हाथ से मतलब कर लेती हूँ, तो मैंने कहा चलो आज इन सबको भर के रख देती हूँ। बादाम लेके आई थी, काजू लेके आई, किशमिश लेके आई, अखरोट लेकर के आई, अंजीर और खसखस भी लेके आई हैं, जो कि बहुत जल्दी रेसिपी शेयर करूँगी आँखों के लिए, जिनके आई साइड वीक हैं आँखों में, जो नसें कमज़ोर हैं उन सब के लिए, क्योंकि मैं इशू के लिए बनाऊँगी तो आप सबके साथ भी शेयर कर दूँगी। तो यहाँ बन रही है सब्जी में आज राजमा, तो राजमा के लिए गीता ने सारा मसाला वो सब तैयार कर लिया है। उधर एक साइड में दूध गर्म हो रहा है, बच्चे स्कूल जा चुके हैं और आज है नवरात्र 3रा मतलब, तो आप सभी को नवरात्रों की बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। तो यहाँ पे जो डब्बे वगैरह में मैंने सब पहले ड्राई फ्रूट भर दिया, उसके बाद उनको सबको लगा रही हूँ, तो कुछ जो बड़े ज़्यादा भरे थे वो अंदर रख दिए, छोटे में जो डेली के लिए जैसे बादाम वगैरह रात को भिगोने होंगे उन सबको मैं एक एक डब्बे को यहाँ लगा दूँगी, कि जिससे डेली डेली से अंदर से ना निकालने पड़ेंगे। तो बस चमनप्रास वगैरह के जो डेली यूज में होते हैं उनको मैं इसी जगह पे कोशिश कर रही हूँ, ये बच्चों के लिए अलग से एक बॉल मीटा मंगाया है तो वो यहाँ नहीं आ रहा था, उसको मैं ऊपर रख दूँगी। और बच्चे स्कूल चले गए, उसके बाद में आप देख सकते हो किचन पूरा फैला पड़ा है, क्योंकि सुबह सुबह क्या रहता है कि बस ये है कि कैसे भी उनका टिफ़िन वगैरह पैक करके और उनको स्कूल भेज के उसके बाद में ही आराम से बाकी का काम किया जाएगा। तो मैं ऐसे काम समेट लेती हूँ, जैसे घर में घर सेटिंग वगैरह कर दी है, डस्टिंग वगैरह कर दी, इस तरीके के बाकी पोछा वगैरह सब गीता बर्तन वगैरह किचन का सारा काम टोटल वही करती है। बाद में नहा के यहाँ आ गई हूँ, नहा के पूजा कर रही हूँ। मैंने नवरात्रि पूरे 9 व्रत नहीं रखे हैं, क्योंकि तबीयत बिल्कुल गड़बड़ है, जुखाम खांसी बहुत ज़्यादा हो रहे हैं और उसमें पहुँचे किनाई वगैरह नुकसान देती है गले में, क्योंकि व्रत में आपको पता ही है सबको कि भाई कूटू के आटे पकौड़ी वगैरह ये सारी चीज़ें मतलब तली भुनी खाई जाएंगी, और ऑपरेशन को भी अभी 6 महीने कम्प्लीट नहीं हुए हैं, तो इसलिए मैंने इस बार नहीं रखा है, क्योंकि सब लोगों ने सजेशन दिया कि इस बार तू व्रत नहीं रखेगी, मैंने कहा चलिए। तो बस लेकिन पूजा तो करती हुई अपनी, देखिए नवरात्रि में कलश वगैरह सब मैंने रखा है, यहाँ पर दुर्गा चालीसा पढ़ना है और हवन में मतलब सामग्री वगैरह लौंग का जोड़ा ये सब मैं पूरा करके उसके बाद ही खाना वगैरह खाऊंगी। बस ऐसे ही मिलजुल करके दोनों इन तीनों बच्चों के साथ में, क्योंकि ईशू भी कॉलेज चली गई है, सारा काम निपटा लेते हैं। काम हमारा 9:30 तक मतलब एंड है, 10 तक ख़त्म हो जाता है, क्योंकि नवरात्रों में जल्दी उठ करके जल्दी ही पूजा वगैरह करना, बच्चों को भेज देते हैं उससे पहले झाड़ू वगैरह सब मतलब हो जाती है, और ज़्यादातर सभी के घरों में नवरात्रों में सुबह को जल्दी पूजा कर लेते हैं, तो हमारे घर में भी कुछ ऐसा ही माहौल है आजकल, और माता रानी के जगह जगह पंडाल सजे हुए हैं, सच में बहुत अच्छा लगता है। ये 9 दिन मतलब बहुत एक कहते हैं पवित्र दिन होते हैं, बहुत अच्छा लगता है, चारों तरफ माता रानी के भजन वगैरह चलते रहते हैं, कीर्तन होते रहते हैं। देखिए फ्लैश ऑन तो नहीं हो रही, साइड में हट जाओ, सोडा कुल्फी सिकंजी ये सो लगी पड़ी है, जो नानी स्कूटी पे टिकवा लो, चाट पकौड़ी तुम स्कूटी पे टिक लो, नहीं तो जाओ घर जाओ, मैं फैन लटका के यहाँ पे हम पास से एकदम से वहीं के वहीं दिखता रही है, फिर मैंने थोड़ा सा दूर के कर दिए वो ये सुखा रही है टिक्की चाट आजकल रोज से ही आ रही है। अब आना शुरू हुआ।
हेलो एवरीवन, राधे राधे। कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे ही होंगे। तो यहाँ देखिए, आज मैं आप लोगों के साथ में शॉपिंग जो मैं चांदनी चौक से करके लाई थी, थोड़ी सी करके लाई थी, मैं वैसे ज़्यादा नहीं लाई थी, वो शेयर करूँगी। और तबीयत की बात करूँ तो जुकाम खांसी बहुत ज़्यादा नज़ला हो रहा है, ये मौसम चेंज हो रहा है ना इसकी वजह से, और जुकाम की वजह से सिर पूरा ये भारी भारी सा रहता है, इसलिए ना बोलने का मन करता है ना ही बनाने का वीडियो मन कर रहा है, क्योंकि तबीयत बिल्कुल भी ऐसी हो रही है डाउन डाउन सी। जुकाम खांसी में आप लोगों को पता ही है, थोड़ी सी मतलब जो नज़ला रहता है ना उससे हड़कल टाइप की भी रहती है बॉडी में, और हाथ मेरा ये देख सही हो रहा है, अब रेड रेड सा होने लगा ना, तो पहले से अच्छा है, बेहतर है। और चलिए पहले मैं शॉपिंग दिखाती हूँ, उसके बाद थोड़ी सी बातें करूँगी। एक देखो ये वाली साड़ी, आप लोग मुझे कमेंट करके बताना कैसी ये रेड कलर, तो आपको ये दिख रहा है जो यही वाला कलर है सेम, आप ये सही आ रहा है इसमें, ये वाला इसका पल्ला है ये अंदर, और ये पता है बिल्कुल जो कॉटन में होती है ना, कॉटन में है ये, ऐसे नहीं है साड़ी नहीं है, ये कॉटन में है, ये बिल्कुल प्योर उसमें, और बहुत सॉफ्ट है, बहुत हल्का वाला कॉटन है। इशू ये लग रहा था कि मम्मी ये ले लो कभी जैसे कुछ पूजा वगैरह में, या ऐसे अच्छी लगेगी पहनने के लिए, तो ये दिलवा के लेके आए, ये इशू मुझे, बिल्कुल कॉटन की है एकदम सिंपल। अभी ब्लाउज मैंने इसका दिया नहीं है सिलने के लिए, ब्लाउज इसमें इस टाइप का है, ये ऐसा है, और बाकी पूरी कॉटन में ये वाली, ओ ये अच्छी लग रही थी, चुंदरी वाला जो प्रिंट टाइप होता है वो है, तो एक महीने की आई थी, ये आई थी 550 रुपये की, ज़्यादा ऐसी नहीं है महंगी, लेकिन कॉटन की अच्छी है। और आपको दिखाती हूँ मैं एक और क्या चीज़ लेके आई हूँ, एक में लेकर के आई थी ये वाला कुर्ता, ये वाला कुर्ता है, ये देखिए मेरा और सरिता भाभी का डिट्टो कुर्ता है बिल्कुल, क्योंकि मुझे ये बहुत पसंद आ रहा था, भाभी के साइज का मिल गया, फिर उसके पास बहुत सारे थे लेकिन मुझे और समझ में नहीं आया मैं कि इनमें ये वाला नहीं है। ये देखो जो लॉन्ग में चल रहे हैं ना, बिल्कुल फुल लॉन्ग में है ये, तो इसके जो फुल लॉन्ग में आते हैं तो उनके नीचे लेगी या दुपट्टा वगैरह कुछ नहीं, खाली सिर्फ कुर्ता ही कुर्ता है, तो इसके लिए मेरे पास लेगी एक है वो चल जाएगी, रेड मतलब पिंक सी है जो ये भी है, और एक इस वाला जो गोल्डन कलर सा है इसमें गोल्डन है, ये वाली भी लेगी है मेरे पास, तो वो चल जाएगी, बाकी का ये ऐसे ही है। मगर मुझे बिल्कुल फुल वाले लॉन्ग में जो आ रहे हैं वो वाला नहीं मिला था, मैं पहले फ्रॉक वाला लेके आई थी लेकिन वो उसके साथ में पजामा वगैरह ये जो पेंट आ रहे हैं वो था, तो वो फुल लॉन्ग में नहीं था, थोड़ा शॉर्ट में था, लेकिन ये वाला फुल में है, किसी दिन पहनूंगी तो आपको जब दिखाऊंगी, मुझे ये अच्छा लगा ये कि ये लेके आई हूँ मैं। एक इशू अपने लिए लेकर के आई थी जो कुर्ता उधर पूजा वाले दिन पहना था उसने, वो वाला हैंड टॉवल लेकर के आए थे एक दर्जन पूरी, 500 रुपये में पड़ी थी, अच्छी खासा इतना बड़ा साइज है उनका, तो 6 भाभी ने ली, 6 मैंने ली थी, 6 मेरे पास ऐड करने के लिए भी आई थी जो मैंने ऐड किया था आप लोगों के साथ में, क्योंकि हैंड टॉवल चाहिए, छोटे बच्चे भी हैं, फिर इधर उधर कहीं पे भी आना जाना रहता है, और वैसे भी। और ये वाला कुर्ता आप मुझे बताना कितने का पड़ा होगा कमेंट करके, फिर मैं आपको बताऊंगी कि कितने का है ये, एक अपने में ये तो रहे मुझे भी कि अपनी राय बताना मुझे कि लगभग कितने का आया होगा ये, कहीं मैं लुट के तो नहीं आ गई हूँ, फिर उसके बाद मैं आपको इसका जो रेट है जो वो बता दूँगी, ठीक है, कमेंट ज़रूर करिएगा। और सर जुकाम की वजह से ना गला दुख रहा है, इसीलिए थोड़ा थोड़ा बीच में रुक जाती हूँ बोलने में, ना दर्द हो रहा है इसमें गले में, मेरे गले में हमेशा कुछ ना कुछ दिक्कतें बनी रहती हैं। तो शॉपिंग मैं तो यही लेकर के आई थी, लेकिन भाभी लेके आई है खूब ढेर सारे सूट वगैरह लेकर के आई है सिलने के लिए भी दे दिए, एक ऐसी कॉटन की भाभी भी साड़ी लाई है अपनी सासू माँ जी के लिए, और अपनी एक करवा चौथ की भी साड़ी लाई है, वो दो दिन मेरे पास रखी रही लेकिन मैं आप लोगों को नई वीडियो दिखा पाई, फिर दिखाऊंगी करवा चौथ वाले दिन, बहुत गला ये चीज़ें दुखने लगी है। चलिए इतना ही करूंगी, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा,
कल मिलूंगी और एक अच्छी सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, क्योंकि बहुत ज़्यादा बात नहीं कर पा रही हूँ, ये सब चीज़ें बहुत दुखने लगी हैं, इतना जुकाम हो रहा है बहुत ज़्यादा। डॉक्टर को दिखा के आई हूँ, दवा ले ली है तो उसने बोला है 2-3 दिन तो फिर भी असर रहेगा आपको दवा लेने के बावजूद भी, क्योंकि एकदम तुरंत हम लोग नहीं, क्योंकि तुरंत ही जुकाम में नज़ले में दवा दे देंगे तो वो रुक जाएगा, उसमें आपको ज़्यादा तकलीफ होगी। इसलिए शॉपिंग में यही करके लेके आई हूँ। गीता की करवा चौथ की हो रखी है, पहले से ही है उसके पास, तो इस बार उसने वो वाली शॉपिंग नहीं की है कपड़े वाली, बाकी का जो रहेगा वो करेगी अभी थोड़े टाइम के बाद में। तो चलिए मिलते हैं कल, तब तक के लिए बाय बाय।